देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सर कुछ ही घंटे हुए थे, 24 घंटे से पहले FIR नहीं लिख सकते थे तो कम से कम उस लड़की को ढूंढने में इनकी मदद तो कर सकते थे। सिविलियन को मारा है, वो गलती नजर नहीं आती अपनी? और काम करने के नाम पे रूल्स समझा रहे हो। एक रिस्पेक्टेड सिटीजन को मारते वक्त कानून याद नहीं आया? अभी कभी उन्हें छोड़ दो। वरना यही सस्पेंड कर दूंगा तुम्हें। सुना नहीं तुमने? छोड़ो हमारे बेटे को। तुमने सुना नहीं? छोड़ो मोहन को। नहीं सर, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। हाउ डेयर यू डिसओबे मी? मैं तुम्हारा सीनियर हूं और एक शरीफ आदमी को मारने के लिए तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड कर सकता हूँ। आप जिस शरीफ आदमी की बात कर रहे हैं ना सर, उसने पब्लिक सर्वेंट पे हाथ उठाया है। इसलिए मैंने उसे लॉकअप में डाला है। और आप मुझे डांट रहे हैं क्योंकि उसने मुझ पे हाथ उठाया, आप पे नहीं। सॉरी सर, लेकिन अगर उसने आपके साथ ये किया होता ना तो आप भी यही करते? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करता। मैं प्रोटोकॉल फॉलो करता, उसे इस तरह मारता नहीं। तुमने उसे बस अपनी अकड़ की वजह से मारा है। अब बहस बंद करो और मौन को छोड़ो। ये लोग क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं? कैसे बताऊं उन्हें कि राधा कोल्ड स्टोरेज में और उसे वहां पर जाकर ढूंढना पड़ेगा। जल्दी कीजिए। डीसीपी सर, मुझे मेरी राधा को ढूंढने जाना है। वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में, उसे मेरी जरूरत है, प्लीज जाने दो मुझे। छोटी आपको सांप लगती है मोहन जी? नहीं, वो
सपने में सांप आया था। चोटी तो मैं दूर से पहचान जाता हूँ कि ये राधा की चोटी है। चोटी को कैसे नहीं पहचानता? चोटी थी वैसे मैंने फिल्मों में देखा है। क्या देखा है? कि जो डायन होती है ना, उनकी ताकत जो होती है उनके बालों में होती है, इसलिए वो लोग कभी बाल नहीं खोलते। वैसे मैंने तुम्हें भी कभी खुले बालों में नहीं देखा। तुम आज बाल खोल दो ना प्लीज। देखो तुम बाल खोल दो, नहीं तो मैं मान जाऊंगा कि तुम डाय। आपने कभी हमारे पैर नहीं देखे है? वो भी उल्टे हैं। उल्टे क्योंकि हम आधे चुड़ैल और आधे डायन है। नहीं 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 यार, तुम पैर देखे? नहीं आई देखे पैर। मुझे पता था तुम हो, मैं तो ऐसी 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 मजाक कर रहा था। अच्छा तुम एक बार बाल खुलना प्लीज, तुम्हें खुले बालों में देखना है। आपने खुले बालों में देखना चाहते हैं? आप तो वो हो रहे हैं, वो क्या कहते हैं, रोमांटिक। तुम सपना देखना बंद करोगी? रोमांटिक हो रहे हैं, बाल खोलो ना प्लीज, खुले बालों में देखना है। देखिए मोहन जी, अब तो हमारे बाल आप ही खोलेंगे, वो भी अपने हाथ से, वो भी उस दिन जब आप सचमुच में रोमांटिक होंगे। सो जाओ। और रोमांटिक नहीं होता है, रोमांटिक होता है, रोमांटिक। अरे जब देखो आप हमारे अंग्रेजी के पीछे पड़ जाते हैं, जो बोला हमने ठीक बोला। तुम बाल खोल रही हो? आप रोमांटिक खो रहे हैं। सो जाओ यार तुम। फोन दो मेरा, चोरी करने आई थी। जो भी हो जाए हम हार नहीं मान सकते, हमें हमारे मोहन जी के पास वापस जाना ही होगा। वो आगे नहीं आ रही जाए। डीसीपी सर, मुझे मेरी राधा को ढूंढना है और ये आदमी मुझे छोड़ नहीं रहा है सर। डीसीपी सर कुछ कीजिए। अरे कैसे नहीं छोड़ेगा, जाने दो मोहन को, वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है छोड़ देता हूं। प्लीज जल्दी कीजिए राधा, राधा की जान खतरे में, प्लीज जल्दी कीजिए। लेकिन ये जो आपने अभी कहा है मुझे लिखित में दीजिए। क्योंकि ये डिसीजन आपका था। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सर आपके ऊपर भी कुछ लोग हैं जिन्हें मुझे जवाब देना पड़ता है। आप लिखित में दे दीजिए, मैं छोड़ देता हूं इसे। डीसीपी सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे राधा को ढूंढना है सर, उसे मेरी जरूरत है। ना जाने किस मुसीबत में है वो। hmm.
लगता है भूषण ने इसे अच्छे खासे पैसे खिलाए हैं। मान ही नहीं रहा। डीसीपी सर, एक मिनट। सर क्या करें, आपका इंस्पेक्टर तो मानने को ही तैयार नहीं है। हालत देखिए हमारे बच्चे की। हमारी राधा भी रात भर से गायब है। कुछ कीजिए डीसीपी सर, कुछ कीजिए। कादंबरी जी, इंस्पेक्टर मोहन को तभी छोड़ेगा जब मैं उसे रिटर्न ऑर्डर दूंगा, और वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि टेक्निकली आपके बेटे ने कानून तो तोड़ा है। अगर मैंने इसका साथ दिया तो मेरे खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। सॉरी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। उनको जेल से निकालना है, राधा को ढूंढना है, बातें बिहारी जी हम क्या करें? बाकी बिहारी जी प्लीज इस कुछ कीजिए, मोहन को यहाँ से निकालना होगा। राधा की हालत बहुत खराब है, अगर मोहन यहाँ से नहीं निकला तो फिर राधा को कैसे बचा पाएगा? प्लीज कुछ कीजिए। ये इंस्पेक्टर इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? मोहन को छोड़ क्यों नहीं रहा है? जितनी देर रोकना था ना, मोहन को रोक ली। मामा जी से बात करनी होगी मुझे। बोलो दामिनी। हेलो मामा जी। अरे मैंने आपसे कहा था मोहन को पुलिस स्टेशन में रोक के रखने के लिए, ताकि वो राधा तक ना पहुंच पाए, उसे पिटवाने के लिए नहीं। मुझे उस इंस्पेक्टर की हिम्मत कैसे हुई वो तक ना मारने की? देखिए आप अभी के अभी उसे कहिए कि मोहन को छोड़ दे। दामिनी, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे इशारों पे नाचेंगे? मोहन ने हमारी बहुत ही बेइज्जती की थी, हम उसका बदला लेकर ही रहेंगे। बहुत मारा था उसने हमें, अब हम उसे इतना पिटवाएंगे कि जीने के लायक ही नहीं रहेगा वो। पर मामा जी, ये हमारी डील नहीं थी, आपने क्या? राधा मैं आ रहा हूं, बस थोड़ी देर और, हिम्मत मत हारना राधा, मैं आ रहा हूं। टाइम हो गया मामा। किस चीज का टाइम? रात के 3 बज रहे हैं। राधा को कोल्ड स्टोरेज में जाए हुए 8 घंटे से ऊपर हो गए, तो जो रही सही जान भी उसमें बची होगी ना, वो भी खत्म हो गई होगी। भूषण मामा ने जो रायता फैलाया है ना, उसको सुधारने का टाइम आ गया है। पर अब तो क्या करने वाली है? मैं मोहन को बचाऊंगी, और ये जो बेवकूफों का खानदान है ना, उनका भरोसा फिर से जीतूंगी। इन सबको मुझ पर शक हो गया मम्मा, और ये मेरे प्लान के लिए सही नहीं है। ये माँ बेटी क्या कुसुर पुसुर कर रही है? कोई नई चाल तो नहीं चल रही है? एक्सक्यूज मी सर, वो आपसे 2 मिनट कुछ बात करनी थी प्राइवेट में। किस किस से बात करूं मैं? पहले मोहन आया, फिर उसकी बहन आई, फिर उसकी माँ आई, और अब तुम आ रही हो। फोन भूषण मामा ने भेजा।
ये दामिनी क्या बोल रही है उसे? जलंधर, तेरी वजह से मेरे लाखों का नुकसान हो गया। चल, चल ऊपर। अरे चल। क्यों जोर मचा रखा तुम लोगों ने? सर, मुझे मेरी कंप्लेन रजिस्टर करनी है और सब इसी की वजह से हुआ है। आइए अंदर चल के बात करते हैं। चल, जलंधर। अगर अंदर गए तो ठंड से हालत खराब हो जाएगी और यहाँ भी कितने देर तक लटके रहेंगे? ये पाए भी कभी भी टूट सकती है। भाग्य बिहारी जी, करे भी तो क्या करे, क्या करे हम? यहाँ से तुम बाहर जा नहीं सकते। हमें इस ठंड वाले कमरे के अंदर जाकर ही बाहर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। आइए जी। मुझे देखना पड़ेगा कि दामिनी अंदर क्या कर रही है। दादी, वो देखो, दामिनी कुछ तो कर रही है। वो उन बैड पुलिस वाले अंकल के साथ जा रही है। वो कुछ तो करने वाली है। फिक्र मत करो, हम देखते हैं। रुक जा, कद्दू रुक जा। देख, तू अच्छी तरह से जानती है कि हमारी दामिनी कुछ भी करेगी, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी जिससे मोहन को नुकसान हो। तुम्हें जो करना था तुमने सब कर लिया ना? हुआ कुछ नहीं ना? बस अब हमारी बिटिया को करने दो। तुमसे जो नहीं हुआ वो करके दिखाएगी। आई बात समझ में? गुड गुड। बेटा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें मोहन को जेल से निकालना है, राधा को ढूंढना है। हम जो कर सकते थे हमने कर लिया। अब एक मौका हम दामिनी को जरूर दे सकते हैं। मोहन के लिए ही सही। दादी, वो जो भी करती है रॉन्ग करती है। राइट तो उसे कुछ करना आता ही नहीं। हाँ, हम समझते हैं, हम जानते हैं, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है बेटा। देख चुईया, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तू हमें और हमारी बिटिया को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। वैसे भी हम तुम्हें भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, समझी? लेकिन तुम्हें एक बात भी अच्छी तरह से पता है कि हमारी दामिनी कितनी चालाक है। वो कुछ न कुछ तिकड़म करके तुम्हारे मोहन को बाहर निकाल ही लेगी।
समझ गई, इस वक्त चुप रहे। डॉमनी तो चालाक है ही, पर अगर आप लोग भी कोई चालाकी कर रहे हो तो फिर याद रखना मैं भी बहुत चालाक हूँ। पता है हमें, अब तो हम एक टीम में है ना। बस अभी के लिए सर भी नहीं है ये।